अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर हुआ है जी सुबह का टाइम और आज की सुबह बहुत ही खुशगवार सी है, बहुत ठंडी सी हवा चल रही है और आपको पता है कि मौसम आजकल जो है ना चेंज हो रहा है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा मौसम ठंडा हो गया फिर से। और सुबह हवा बड़ी तेज़ थी और दिल चाहा कि आज ना परांठे बनाकर नाश्ता किया जाए। तो मोस्टली हमारे घर में परांठे बहुत कम बनते हैं, तो लेकिन मॉर्निंग में बहुत अच्छा मौसम था इसलिए मैंने ना परांठे बना लिए हैं मूली के। और इसके बाद ही मैंने सालन रेडी करना है। सालन रेडी करने के बाद आज मैंने जाना है जी रमज़ान की ग्रोसरी करने। और यहाँ पर जी बैंगन आलू पड़े थे तो मैंने सोचा ये मैं फटाफट से ना खाना बना के फिर जाती हूँ, क्योंकि अगर आप बाज़ार चले जाओ और खाना यानी पहले से रेडी कर जाओ तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज को लाइट सा ब्राउन किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया था। इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए और साथ में सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, ज़ीरा, नमक और मिर्च, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया कीजिए। और यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी डाल दिया आधा कप। और जी बैंगन का मसाला जब रेडी हो जाएगा मैं इसमें आलू और बैंगन डाल दूंगी, दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी डाल दूंगी। और लास्ट पे जब मैं इनको यानी सालन मेरा रेडी हो जाएगा मैं हरी मिर्च और धनिया डाल दूंगी। तो सालन रेडी करने के बाद हम जाएंगे जी ग्रोसरी करने। यहाँ पर जी मसाला मेरा रेडी हो चुका है, इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला है। और इसमें मैं आलू बैंगन डाल दूंगी और फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी मीडियम आंच पर। तो जी आलू बैंगन मैं डाल चुकी हूँ, मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं कवर करूंगी 10 मिनट के लिए और हमारा जो है ना सालन रेडी हो जाएगा। और जब हम बाज़ार से वापस आएंगे और रोटियां बनाएंगे और हम खाना खा लेंगे। तो इससे ये होता है कि जब बाज़ार से आते हैं ना इंसान को बड़ी थकन हो रही होती है और कुछ भी करने को जी नहीं चाह रहा होता, और बाज़ार का जो खाना है वो हमें बिल्कुल भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी कभार हो गया महीने में एक आध बार। तो जी हम आ चुके हैं इम्तियाज मार्ट पे रमज़ान के लिए ग्रोसरी करने। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी लहसुन, क्योंकि आपको पता है लहसुन जो है ना ये एक दफ़ा छील के रख लें तो मैं बहुत ज़्यादा अर्से के लिए नहीं रखती, 1-2 वीक के लिए बस मैं रखती हूँ, तो फिर फ्रेश ले लेती हूँ। यहाँ पे गोश्त वाली जगह पे हम आए थे कीमा वगैरह लेना था। और जी हम आ चुके हैं घर। मैंने और भी क्लिप रिकॉर्ड किए थे जो मेरी लाडो ने डिलीट कर दिए हैं खेलते खेलते मोबाइल के साथ। और यहाँ पर ऑयल लिया है मैंने कश्मीर का और एक पैक लिया है मैंने डालडा का, और दोनों की प्राइस तकरीबन सेम ही थी, क्योंकि उस पे ना प्रमोशन चल रहा था डालडा पे, तो एक मैंने डालडा का ले लिया और एक मैंने ले लिया कश्मीर का, क्योंकि दोनों ऑयल हम खाते हैं तो दोनों का टेस्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पर बेसन लिया, आपको पता है रमज़ान में बेसन के बगैर तो समझे पकौड़ों के बगैर जो अफ्तारी है ना वो अफ्तारी लगती ही नहीं है। पता नहीं किसने ना अफ्तारी में पकौड़े ना जो है ना ज़रूरी किए हैं। और यहाँ पर मैंने ली थी सूजी, मेरी जो छोटी प्रिंसी है हलवा बड़े शौक से खाती है, तो मैं ना थोड़ी सी सूजी का ना हलवा वीक में 1-2 दफ़ा उसे बना के देती हूँ। चने की दाल है और जिसकी यानी शामियाँ बनेंगी चिकन दाल की। और कैचअप ऑलमोस्ट हमारे घर में ज़्यादातर शिंगरीला की खाई जाती है, तो शिंगरीला की ली है। उसके अलावा मैंने ये भी लिया ट्राई करने के लिए, तो सोचा था इस बार इसका ना टेस्ट करूँगी कैसा है। तो इसमें मैंने मिर्चों वाली भी ली है और सिंपल वाली भी ली है। और इसके अलावा हमें ना कैचअप की जगह ज़्यादातर इमली की चटनी ज़्यादा शौक से खाई जाती है, जो कि मैं बनाऊँगी और यहाँ आपके साथ मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये जी मैंने खीर ली है। मैं जब ना खीर बनाती हूँ तो वैसे तो चावलों की ज़्यादातर हम घर में बनाते हैं जो आम आपको पता है दूध चावल की, तो उसमें मैं एक डिब्बा ये डाल देती हूँ, बड़ी मज़े की खीर बनती है। और ये जी हलीब की ये क्रीम ली है मैंने, तो इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। ये मैंने कस्टर्ड में डालने के लिए या फ्रूट चाट में डालने के लिए, उसमें रशियन सैलड में डालने के लिए ना ली है, या मैं जब वाइट जेलफ्रेजी बनाती हूँ उसमें भी काम आ जाती है। और ये है जी अलसी है मेरे ख्याल में, मेथी दाना और अलसी ली थी छोटी बहन ने, और नहीं ज़ीरा था पहले। लाल मिर्च है यहाँ पे, हल्दी है मेरे पास और पिसा हुआ धनिया है। ये ना सारे मसाले घर में ऑलमोस्ट पड़े हुए थे, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन छोटे पैकेट ले आई हूँ सारे मसालों के। और साथ में गरम मसाला था, ये नमक का पैकेट है और ये आयोडीन वाला है, ये नेशनल का। ये है जी वाइट चने हैं,
वाइट चने मैं ना बॉईल करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है फ्रूट चाट में थोड़े से डलते हैं, चना चाट में तो खैर डलते ही हैं, और कभी चावलों का दिल करे तो चने वाले चावल बन जाते हैं। ये ली थी जी किशमिश सोगी ली थी मैंने, ये भी फ्रूट चाट में डलती है, रेशम सैलड के ऊपर भी मैं डाल लेती हूँ, और हलवे में भी डलती है, आपको पता है स्वीट डिशेज़ में काफ़ी जगह पर डल जाती है। ये ली थी जी अलसी, अलसी छोटी बहन को ज़रूरत थी, वो रेमेडीज़ काफ़ी वो ट्राई करती है बनाती है, और उसको ये इन चीज़ों की ज़रूरत थी। और यहाँ पे अनारदाना था, कुछ पड़ा है अनारदाना, कुछ मैंने और ले लिया, ये मेथी दाना है, तो इसके भी बड़े बेनिफिट्स हैं। आगे चल के मैं आपको इसकी इसके बारे में बहुत सी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और ये लिया था जी सेवैयों का पैकेट, पहले मैं नेशनल का लेती थी, मुझे नेशनल का मिला नहीं है, तो इस दफ़ा मैं ये ले आई हूँ फलक का, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। तो जी ये सेवैयां हमारे घर में बड़े शौक से खाई जाती हैं, तो यहाँ पर ये मेरी लाडो खाती है जी पापड़ है, इसे मैं फ्राई करके दूँगी, उसके लिए मैंने लिए थे, पहले मैं गोल वाले पापड़ लाती थी, इस दफ़ा मैंने ये लिए, मैंने कहा चलो इस दफ़ा इनका जायका ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मैंने ये चावल लिए हैं बॉईल करने के लिए, और आमतौर पर जो पुलाव बनाए जाते हैं पुलाव वगैरह वो भी इनका बना लेती हूँ, लेकिन जो बिरयानी है वो इनकी मैं कभी नहीं बनाती, बिरयानी मैं हमेशा सिला चावलों की बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने जी सॉफ्ट टच की ली है ब्लीच, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है और ड्राई भी है, मुझे ये ब्लीच सूट कर जाती है, क्योंकि इसके अलावा मैं लिक्विड ब्लीच यूज़ करूँ तो मुझे रैशेज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था ये ग्लास, तो ये मुझे अच्छा लगा था कलर भी इसका, तो मैंने ये ले लिया था। इसमें आपको पता है डिटॉक्स वाटर बड़ा मज़े का बनता है, इसमें आप पुदीना खीरे और इस तरह पानी वगैरह डाल कर रख दें लेमन। तो जी ये है जी रमज़ान की असल शान जामी शरी, जिसके बगैर जो अफ्तारी है ना वो नामुमकिन थी, एक पकोड़े और एक जामी शरी दस्तरखान पे पड़ा हो तो बंदा समझ आता है कि जी अफ्तारी होने वाली है, स्टार्ट शुरू होने वाली अफ्तारी का टाइम। तो यहाँ पर भी गेपल्स ली हैं थोड़ी, हमारे घर में ना कोक सेवन बहुत कम पी जाती हैं, तो इस तरह के मशरूबात थोड़े पी लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जी हेलो शोल्डर लिया था, हेलो शोल्डर जो है वो मुझे सूट करता है, और छोटी सिस्टर ने अपने लिए लिया था लाइफबॉय का शैम्पू, और यहाँ पे उसने स्पैगेटी ली थी, और मैंने ये फॉइल पेपर लिया था चिकन को स्टीम करने के लिए, काफ़ी चीज़ों में काम आ जाता है, और बिरयानी मसाला लिया था। अच्छा एक मैंने नेशनल का लिया था, एक मेहरान का, नेशनल का वो डिब्बा मेरी लाडो ने फाड़ दिया है इसलिए वो मैंने इधर नहीं रखा। तो ये उसकी चॉकलेट्स थी डेरी मिल्क की, और ये थी कॉकटेल, इसके मैंने 6 पैक लिए हैं, और ये ना बहुत काम आता है, फ्रूट सैलड में डालती हूँ इसे, मैं रशियन सैलड में डालती हूँ, कस्टर्ड में डालती हूँ, तो इसके मैंने ना ये बहुत कॉस्टली हो गया है, पहले जब मैं स्टार्टिंग में लेती थी ना तो 110 का था, अब ये 400 समथिंग का आया है कॉकटेल। ये जी मैंने बूंदी ली है, इसके मैं पहले बड़े पैकेट्स लेती थी, अभी इन्होंने ना आसानी कर दी है, छोटे पैकेट्स निकाल दिए हैं, क्योंकि जब मैं बड़ा पैकेट यूज़ करती थी उसका आधा मैं यानी यूज़ होता था, आधा रखना पड़ता था फ्रिज में, तो ये छोटे पैकेट हैं। तो यहाँ पर जी मैंने मच्छरों के लिए अपनी बेटी के लिए लोशन लिया है, तो काफ़ी उसके ना मच्छरों का बड़ा मसला हो गया था घर में। तो यहाँ पर जी लहसुन पाउडर है, जो कि अगर हम जल्दी जल्दी में खाना कुक कर रहे हैं तो लहसुन छीलने का टाइम नहीं लग रहा, तो फटाफट मैं थोड़ा सा ये डाल देती हूँ। ये एक मैंने ली थी छोटी सी कटोरी, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, ये आई थिंक 250 समथिंग की आई है, हाँ 250 की आई थिंक, तो ये मुझे प्यारी लगी थी, इसमें 2-3 कलर और भी थे लेकिन मुझे वाइट अच्छी लगी थी। तो ये लिया था जी मैंने पाउंड्स का लोशन, तो वैसे तो गर्मियों का जो है ना सीज़न स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरी ना स्किन बहुत ड्राई है तो इसलिए मैंने लिया था। और ये गुलाब का अरक है, और इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, तो मैं ना इसको स्प्रे करती हूँ जब किचन का काम कर रही हूँ या बाहर निकलूँ धूप में। तो ये जी ओलिविया का कलर लिया था अबू के लिए, क्योंकि अबू यही यूज़ करते हैं। और ये जी डव की क्रीम है, ये छोटी सिस्टर ने ली थी अपने लिए, और ये हमें सूट करती है इसलिए मैंने ना डव की क्रीम ली थी, पहले मेरे पास छोटी थी तो अब बड़ी ली है। तो ये हैं जी छोटू छोटू से सिरके, हालांकि सिरके सारे पड़े थे और यानी बड़ी पैकिंग में पड़े हुए थे, लेकिन ये मुझे छोटी पैकिंग इसकी बड़ी अट्रैक्टिव सी लगी तो मैंने ना ये ले ली। तो ये कुछ स्प्रिंकल्स लिए हैं, ये मैं जब कपकेक बनाती हूँ ना तो उसके ऊपर ना काम आ जाते हैं। और इसी तरह कुछ कॉफ़ीज़ हैं, ये छोटी बहन पीती है ज़्यादा शौक़ से, और यहाँ पे नूडल्स हैं, और ये ब्लैक कलर के मास्क का डिब्बा लिया था, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं ना मास्क लाजमी मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रिस्मे का लिया है जी मास्क, तो ये ड्राई हेयर के लिए बहुत अच्छा मास्क है, मैं काफ़ी अर्से से तकरीबन ना ये यूज़ कर रही हूँ, मुझे 3-4 साल से ना मैं यही वाला कंडीशनर अपना ना यूज़ करती हूँ।
और इसके अलावा बहुत सी शॉपिंग की थी मैंने, छोटी लाडो की थी, ये मुझे वहाँ पे फ्रॉक बड़े अच्छे लगे थे। इसका स्टफ़ बड़ा अच्छा है, लोन में स्टफ़ है इसका, और ये इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। जब मेरी लाडो थोड़ी इससे भी ज़्यादा छोटी थी ना, मेरे ख्याल में कोई 6 मंथ की थी, तब भी मैंने इसी डिज़ाइन में उसको फ्रॉक पहनाया था, तो सबको माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी थी, सबने बड़ी तारीफ़ की थी। तो अब मुझे अचानक से फिर से वही डिज़ाइन और बड़ा अच्छा स्टफ़ मिल गया था, तो मैंने फिर उसके दो इस तरह ना ये फ्रॉक लिए हैं। साथ में ली है मैंने अपनी प्रिंसेस की सैंडल, तो ये सैंडल मेरी प्रिंसेस को बड़ी पसंद आई थी, और मैं एक और सैंडल थी वो देख रही थी, लेकिन उसने इस सैंडल को पकड़ लिया और वो छोड़ नहीं रही थी, फिर मैंने उसके लिए ये सैंडल ली। और साथ में ये छोटा सा हेयर क्लिप लिया था उसके लिए, तो मैंने उसको लगा के देखा, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी मेरी लाडो, अल्लाह पाक उसे नज़रबद से बचाए। तो यहाँ पर जी कुछ वेजिटेबल्स ली थी, लेमन लिए थे, वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लेमन लेके ना उनको एक बोतल में उनको निकाल कर ना जूस उनका निकाल कर रख दिया है फ्रिज में, रमज़ान में काम आएगा। और यहाँ पर जी मैंने एक प्लास्टिक का जग भी लिया था वहाँ से, और ये आई थिंक 500 समथिंग में है, और ये ना आपको पता है कि रमज़ान में जग वगैरह की ज़रूरत बड़ी पड़ती है, तो शीशे का जग मैं प्रिंसेस छोटी इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती शीशे वाले। और ये एक बोतल ली थी, ये भी मेरी लाडो ने वहाँ से उठा ली थी, और बस उसने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर ली। ये दो मैंने छोटे बाउल लिए हैं, ये टपनुमा छोटे छोटे से ना बाउल हैं, इनमें आपको पता है कोई दालें भिगोनी हो, कोई चावल भिगो के रखने हो तो ये बड़े काम आते हैं। तो इस तरह के बर्तन जो होते हैं ना, इसमें आप फ्रूट चाट काट सकते हो बैठ के, और दही बड़े वगैरह बना के फ्रिज में रखने हो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इस तरह आप फ्रिज में बना कर रख सकते हो। और ये जी कुल्फी सैंड था, तो ये मैंने लिया था क्योंकि लाडो को मैं ना अपनी प्रिंसेस को बाहर की आइसक्रीम वगैरह जो गली में अक्सर आ जाते हैं वो नहीं खिलाती, तो मैं घर में ना बना कर उसे दूंगी, तो आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर करूँगी, आप भी बच्चों को इस तरह दिया करें। और यहाँ पर मैंने ना मसाला बॉक्सेस लिए हैं 3, और ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ना छोटी छोटी सी शीशियों में डिब्बियों में बड़े मसाले पड़े हुए हैं घर में, जो कि हमें कोई एक चीज़ निकालनी हो ना तो सारी डिब्बियाँ देखनी पड़ती हैं किसमें क्या पड़ा है किसमें क्या, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें एक में रख के ना तो ये कवर कर लूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने एक लिया था इस तरह सा कूलर बना हुआ वाइट कलर का ब्राउन, और ये प्लास्टिक में है, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सोचा रमज़ान में इसी में ना हम लोग जो भी मशरूबात बनाते हैं तो इसमें मैं बना लिया करूँगी, इजी हो जाएगा, तो जगों की बजाय अगर इसमें खुला सा बना हो ना तो काम हमारा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो एक मैंने ये लिया, अभी मैंने पानी डाल के इसे चेक भी करना है कहीं से लीक तो नहीं है। तो जी उसके बाद मैंने यहाँ पर ना थोड़े से चने बॉयल कर लिए हैं, तो आपको पता है कि चने उबाल के मैं ना इस तरह से पैकेट्स में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो जैसे ही मुझे चावलों में ज़रूरत हो एक पैकेट निकाल के मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखें चने इस तरह से काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो मैंने इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ पर जी मैं लाई थी खुला सा धनिया और पुदीना, पुदीना देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़े बड़े से पत्ते हैं, तो कहते हैं ये फार्मी होता है, जो छोटा छोटे छोटे पत्ते हैं वो देसी पुदीना है, लेकिन इसकी स्मेल भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है पुदीने की। तो यहाँ पर धनिया है और पुदीना, इसकी मैं बना लूँगी चटनी, क्योंकि ना हमारे घर में ये चटनी वाला जो दही रायता बनता है वो बड़े शौक से खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी धनिया, धनिया बनाने के बाद मैं इसको ना खुले से बर्तन में पानी में भिगो देती हूँ ताकि जो भी इस पर डस्ट होती है जो भी मिट्टी होती है वो निकल जाती है आसानी से। आप टोकरी में डालकर कभी भी मत धोया करें, खुले बर्तन में पानी में डाल दिया करें। और यहाँ पर अब हम बना रहे हैं जी पुदीना, पुदीने की जो एक गुटी है वो मैं डाल दूँगी चटनी में, और एक गुटी को मैंने ना डिश में डाल कर रख देना है ड्राई करने के लिए, क्योंकि मैं ना घर में एक जार में ड्राई पुदीना मस्ट भी रखती हूँ, क्योंकि जब आपके पास फ्रेश पुदीना ना हो घर में और बिरयानी या कुछ ऐसी चीज़ बनाने का जी चाह रहा तो आप वो ड्राई पुदीना निकाल कर ना उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने पुदीने के पत्ते तोड़ लिए थे और इसको मैंने ना खुश्क होने के लिए रख दिया है। अगर धूप में रखते हैं तो वेल एंड गुड है, जल्दी आपका जो पुदीना वो ड्राई हो जाता है, लेकिन कल से बारिश हो रही है तो इसलिए मैंने अंदर ही ना डाइनिंग पर रख दिया था इसे ड्राई होने के लिए। यहाँ पर जो मैंने जी धनिया पुदीना बनाया था उसकी मैंने बना लिया चटनी, इसमें मैंने नमक ऐड किया था धनिया पुदीने के साथ, साथ में मैंने ऐड किया था ज़ीरा और साथ में हरी मिर्चें ऐड की थी, तो बड़ी ज़बरदस्ती। हाँ अनारदाना मस्ट भी ऐड किया कीजिए चटनी में, तो हाजमे के लिए बहुत बेहतर होता है। तो चटनी बनाने के बाद ये आपके पास है क्यूब्स वाला, इसमें मैंने क्यूब स्टैंड में मैं डाल दूँगी इसको, और ना ये जो आपके पास कोई भी आइस के लिए जो स्टैंड पड़ा होता है घर में आप उसमें ना इसे डाल सकते हैं। तो मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी चटनी को, और जैसे ये ना जम जाएगी फिर हम इन क्यूब्स को निकाल लेंगे।
यहाँ पर जी सारी चटनी मैंने इसमें डाली, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और यहाँ पर जो चटनी बच गई है इसको मैं बाउल में डाल लूँगी जो हमने अभी अब यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर जी चटनी हमारी जो होती है क्यूब्स में जम गई है इस तरह से, तो अब मैं इन क्यूब्स को निकाल लूँगी। तो जी सारे क्यूब्स मैंने निकाल ली हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ना काफ़ी आसानी हो जाती है रायता बनाने में हमें। तो अगर आपके पास कम दही है तो एक ये टुकड़ी डाल दें, अगर ज़्यादा दही का आप रायता बना रहे हैं तो दो डाल दें। तो दही बड़ों में भी अगर डालनी हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है दही बड़ों में। तो इस तरह से मैं पैकेट बना कर ना रमज़ान से पहले इस तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ, हमारा काम काफ़ी ईजी और आसान हो जाता है। और यहाँ पर मैं फ्राई करने लगी हूँ अपनी लाडो के लिए चिप्स, और जो कि वो बड़े शौक़ से खाती है। मैं ना मोटे मोटे आलू इस तरह से ना उसे फ्राई कर देती हूँ, सिर्फ मैं नमक इसमें लगाती हूँ आलूओं को काट कर ना, तो बड़े शौक से माशाल्लाह से वो फ्राई खाती है। और उसके बाद मैं बनाऊँगी जी दही बड़े, और दही बड़े बड़े शौक से खाए जाते हैं हमारे घर में। यहाँ पे मैं जो बूंदी के पैकेट्स लेके आई थी, तो इसको मैं ना एक पैकेट को पानी में भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए, इसको मैं कवर करके रख दूँगी और ये ना जो बूंदी है ये नरम हो जाएगी। और एक साइड पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और बड़े मज़े के ना दही बड़े घर में रेडी हो जाते हैं साफ़ सुथरे। हम लोग ना बाज़ार से समोसे दही बड़े इस तरह की चीज़ें बहुत कम मंगवाते हैं, तो घर पे हम कोशिश होती है कि ज़्यादा साफ़ सुथरा खाना हम बना लें। तो बूंदी को मैंने पानी से निकाल लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है दही जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और साथ ही इसमें सबसे चटनी ऐड कर ली थी, और इसको मैंने ना दही में डाल इसमें कौड़ियों में डाल दिया है बूंदी में। और यहाँ पे आलू मैंने काट लिए थे बॉईल करके, आलू डाल दिए हैं। और प्याज मैंने, प्याज को मैं है ना पानी में काटती हूँ ताकि इसका जो है ना कड़वापन वो ख़त्म हो जाए, और प्याज डाल दिया है मैंने। और साथ में मैंने डाल दिए टमाटर, और लास्ट में मैंने ना इसमें जब मैंने ना चने बॉईल किए थे थोड़े से ना, यानी आप समझ लें 3-4 टेबल स्पून के करीब मैंने उबले हुए चने इसमें ऐड किए थे, तो बड़े मज़े के लगते हैं इसमें। तो यहाँ पर जी मैं इन सबको अच्छे से करूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद मेरे पास है जी इमली की, ये लास्ट मेरे पास थोड़ी सी बची हुई पड़ी है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि जो नई चटनी है ना रमज़ान के लिए वो मैं एक दो दिन में बनाऊँगी फिर आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये मैंने इमली की चटनी थोड़ी सी ना इसमें मिक्स कर दी है, बहुत मज़े की लगती है। और साथ में इस पर ना थोड़ा सा जो चाट मसाला है ना वो थोड़ा सा ऐड करूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी ऊपर। तो बहुत ही मज़े से माशाल्लाह मज़े के हमारे ना दही बड़े रेडी हो गए। तो जो आज का व्लॉग था वो बस इतना सा था, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं ना मुलाकात होगी, या मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों के साथ खुशियाँ मनाएँ, रमज़ान इन्जॉय करें, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।